पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है यह वारंट इस्लामाबाद के थाने में दर्ज मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी किया गया शुक्रवार को ही इमरान खान इस्लामाबाद में एक सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए थे और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबा चौधरी से माफी मांगी थी इमरान खान ने महिला न्यायाधीश जयबा चौधरी को एक सार्वजनिक रैली में कथित रूप से धमकी दी थी इस्लामाबाद में 20 अगस्त को एक रैली के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के हुसात हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी शाहबाज गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था और इसके बाद अब में मामला दर्ज हुआ। खान ने, ने शाह गिल की दो दिन की रिमांड को मंजूरी दी उन्होंने रैली के दौरान पुलिस के उप महानिरीक्षक को चेतावनी दी की वे उन्हें नहीं बख्शेंगे और गिल को अमानवीय यातना के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कसम खाई थी पूर्व पीएम पर केस उस समय भी दर्ज हुआ था रैली में भाषण के कुछ घंटे बाद ही इसके बाद अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है देखने वाली बात होगी आखिर होता है क्या तो तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी आप बने रहिए इन खबर के साथ थैंक यू इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें